चलिए आज हम मिलवाएंगे आपको, देखिए हमारे दो स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ के आकर के आज काम कर रहे हैं और हम लोग आज हैं दिल्ली में। और यहाँ पर देखिए ये जो सारा सेटअप है ना, आप देख सकते हैं सेटअप क्या है। यह एक रूम है और इस रूम में ये सारी चीजें रखी हुई हैं, देखिए टूल्स वगैरह रखे हैं। तो आपको स्पेशल हम वो दिखाएंगे कि एक मिस्त्री के बैग में क्या क्या होना चाहिए। बाकी जो ये टेक्निकल की चीजें हैं तो वही सब है, बाकी दिखाते हैं आपको और इन लोगों से मिलवाते हैं कि किस प्रकार से है। चलिए बैग को उठा के इधर करते हैं और इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि इनके रूम में क्या क्या है। पहले अगर हम बार बार से चीजों को तो देखिए अभी तो ये नॉर्मली बाहर यहाँ पे एक गेज रखे हुए हैं और गेज के अलावा ये गैस जो भी उठे वेल्डिंग करने के काम में हमारी आती है, इस प्रकार का ये वाली गेज को यूज कर रहे हैं। बाकी हम बड़ा वाला बैग तो अभी आपको दिखाते ही हैं, उससे पहले छोटी चीजों को भी दिखाते हैं। ये हमारा फ्रिज का कंप्रेसर जिसको इन्होंने वर्कशॉप बना रखा है, ये वर्कशॉप कंप्रेसर हमारा फ्रिज का। और ये वैक्यूम पंप मोटर, जानते हो वैक्यूम करने के लिए आप इस वर्कशॉप का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वैक्यूम पंप ज्यादा बेटर होता है और एसी का वैक्यूम करने के लिए तो ये स्पेशल होता है। और इसके अलावा इस बैग में क्या कोई पर्सनल चीज है या इसी सब की है ना, कुछ अलग है? ठीक है, तो अभी दिखाते हैं आपको ये मेन वाला बैग, सबसे बड़ा वाला बैग। इसके अंदर क्या क्या है वो सभी हम देखेंगे। एक तरफ से इसको स्टार्ट करते हैं और अगर जो कुछ हमें नहीं समझ में आएगा और क्या ऐसी चीजें हैं तो ये लोग भी बता देंगे। और बाकी देख रहे हैं, बैठ जाइए नहीं तो। बाकी देखिए सबसे पहले ये हमारा डिजिटल क्लैंप मीटर जिसे हम एम्पियर वगैरह या वोल्टेज नाप करके चेक कर लेते हैं, यही सब काम आता है। इसके जरिए हम लोग चेक करते हैं कि एसी के अंदर कितना एम्पियर ले रहा है, जितना लेना चाहिए उससे ज्यादा ले रहा है या उससे कम ले रहा है, उन्हीं सब की बात है। और देख लीजिए ये क्या है, ब्यूटेन गैस का बड़ा कैन, कितना ग्राम इसके अंदर आता है? ये जो 25 वाला था 125 ग्राम का आता है छोटा कैन, लेकिन ये उससे बड़ा है। और ये इसको क्या बोलते हैं, स्प्रे मारने के लिए है ना, कॉइलों पे कोटिंग करने के लिए। देखाइए यहाँ पे देखिए कोटिंग की हुई है, कोटिंग का मतलब ये जैसा कि पेंट किया हुआ है ना, तो एसी के किनारे पे किया जाता है। तो ये कोटिंग वाला है, स्प्रे आता है अलग अलग तरीके का, स्प्रे में भी क्वालिटी में ये आता है, अलग अलग क्वालिटी का भी आता है। इसके अलावा दिखाते हैं आपको, देखिए ये क्या है, वेल्डिंग गन जो हमारे ब्यूटेन गैस से काम करता है, क्या बोलते हैं इसको, इसको टॉर्च गन बोलते, टॉर्च गन भी इसको ये लोग बोलते हैं। मतलब समझिए कि पढ़ने के बाद और पढ़ने और काम करने में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो आवाज जो लैंग्वेज है बोलने का वो तरीका अलग है, तो इसको टॉर्च गन भी बोलते हैं हम लोग, वेल्डिंग गन भी बोलते हैं, तो बात तो वही है कि गन ही गन है। और उसके अलावा ये देखिए ब्रश सर्विस वगैरह करते समय कोई पीसीबी वगैरह में या कोई धूल मिट्टी रहती है तो साफ करते होंगे। और इसके अलावा दिखाते हैं ये क्या है, एलएनकी सेट जिसमें ज्यादा से ज्यादा हमारा 4, 5 और 6 नंबर के एलएनकी स्प्लिट एसी के आउटडोर में प्रयोग की जाती है। बाकी और कई एलएनकी लगती है और सब आउटडोर लगता है, मतलब बस स्प्लिट एसी के आउटडोर में लगता है ना, बाकी और कहीं नहीं लगता। इसके अलावा और देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर, क्या रखे हुए, अच्छा अभी नया पैक है, कुछ गेज है, अभी नया है, नॉर्मल गेज है ना, बस कंपाउंड गेज होगा, कंपाउंड गेज है। ब्रिजिंग राड देखिए, जब बड़ा होता है बैग में नहीं आता तो तोड़ के ऐसे भी रखा जाता है, ये भी जुगाड़ है वो भी समझ में आएगा। ये कंपाउंड गेज, कंपाउंड गेज में डिफरेंट ये होता है कि ये सुई माइनस में भी जाती है, इसका ये मतलब हुआ कि इससे आप वैक्यूम कर सकते हैं, प्रेशर भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास ये वाला गेज है तो सारे काम कर सकते हैं, अगर रेड वाला गेज है तो सिर्फ प्रेशर चढ़ा सकते हैं, बाकी इससे सारे काम कर सकते हैं, तो इसलिए ये बेस्ट है। और इसके अलावा दिखाते हैं आपको क्या क्या है, ये देखिए खराब हो गया है, एनआरबी है, टूट के बिना मतलब का रखे हुए, फेंक दीजिए इसको काम करें। ये देखिए एक टेस्टर इसके अंदर रखा हुआ है, और भी जो इसके अंदर फ्लेयर नट है अलग अलग साइजों के, दो इसके अंदर देखिए फ्लेयर नट इन्होंने रखा है, एसी का काम करते हैं इसलिए हाफ साइज और 1/4 का दो केवल रखे हुए हैं, तो ये 1/4 एक्स्ट्रा के रूप में रखा जाता है, कभी लीकेज वगैरह होने लगता है या प्लांट टेप लगाने से भी अगर नहीं बंद होता है तो। बाकी देखिए इतना बड़ा सिलेंडर भी दो दो लेके जाना पड़ता है, अच्छा ये R32 का है। ये जो सिलेंडर आता है ये सिर्फ 32 के लिए नहीं आता, आपकी मर्जी है कि इसके अंदर आप कौन सा गैस रखना चाहते हैं, ये सिलेंडर हमें खरीदना पड़ता है, इसमें कौन सी गैस भरवाएंगे ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो इसके अंदर इन्होंने R32 भरवा रखा है, और ये कौन सा R22। देखिए 22 का छोटा किया है, 32 का बड़ा, इसका भी एक कारण है कि आज के टाइम में 22 गैस बहुत कम यूज की जाती है और सबसे ज्यादा 32 यूज हो रही है, तो 22 इसलिए इमरजेंसी के लिए 22 भी रखे हुए हैं, बाकी 32 है। और ये कॉम्बिनेशन प्लायर, कई कामों का कंबाइंड रूप होता है। इसके अंदर है स्क्रू ड्राइवर, मतलब पेचकस, और पेचकस के अलावा देखिए ये क्या है, ये हमारा फ्लेयर टूल, क्या फ्लेयर टूल का यूज अभी भी किया जाता है? जी जी, अच्छा स्प्लिट एसी में इंडोर आउटडोर को कनेक्ट करने के लिए जब फ्लेयर नट लगाएंगे। फ्लेयर टूल देखिए कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक फ्लेयर टूल तो ऐसा होता है कि इसमें अलग अलग पाइपों के लिए साइज होते हैं, बाकी ये वाला बेस्ट होता है। देखिए किसी भी साइज की पाइप हो, पाइप को एक बार डालिए, नापना अपना नहीं पड़ेगा, इसमें डाले कि उसमें डाले, और इस तरह से टाइट करिए और कॉपर की पाइप को ऐसे कवर करेगा और फ्लेयर बनेगा, काफी अच्छा है। इसको बोलते हैं ब्लॉक और इसको बोलते हैं योक, और दोनों मिला के इसको बोलते हैं फ्लेयर टूल। और ट्यूब कटर, ट्यूब कटर की तो बात ही अलग है, देखिए बड़े साइज का ट्यूब कटर है, एसी का काम कर रहे हैं ना तो बड़ा ट्यूब कटर तो रखना होगा, अगर हम लोग फ्रिज का करते हैं तो छोटा भी रखना होता है और छोटे से छोटा भी रखना होता है, यानी बहुत भी छोटे की जरूरत है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं कि जहां पे घुमाने के लिए हमें जगह नहीं मिल पाती, लेकिन यहां पर
मिल जाता है, एसी का काम करते हैं तो मिल जाता है। ये देखिए लेवल मीटर, यानी जब आप स्प्लिट एसी को या किसी भी एसी को लगाएंगे तो दीवार पे तो सेट करेंगे ना, तो जो दीवार पे सेट करेंगे उसका लेवल टेढ़ा वेढ़ा नहीं होना चाहिए, ऊपर से या दाहिने बाएं से तीनों तरफ से इसके अंदर दिया हुआ है कवर करने के लिए। और ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, स्लाइड रेंच, एडजस्टेबल रेंच बोलते नहीं, स्लाइड रेंच, एडजस्टेबल मुंबई का बात है, तो इसको एडजस्टेबल पाना ये लोग बोलते हैं, हम लोग एडजस्टेबल रिंच बोलते हैं या स्लाइड रिंच भी इसको बोलते हैं। और इसके अलावा ये तो जानते ही हैं, नोज प्लायर हो गया हमारा। ये देखिए हमारा स्क्रू ड्राइवर, और स्क्रू ड्राइवर जो आते हैं ये नंबर के हिसाब से आते हैं। देखिए ये 6200 है ना, ये नंबर का मतलब इसमें ये होता है कि इसकी लंबाई की बात है, जो नंबर अलग होते हैं उसमें छोटा भी होता है, इससे भी छोटा होता है, हमको लगता है ये सबसे बड़ा होगा, इससे छोटे साइज के स्क्रू ड्राइवर प्रयोग किए जाते हैं। और एक फाइल भी यूज किया जाता है, छोटा सा फाइल इसलिए रखते हैं कहीं पे कार्बन वगैरह आ गया तो वहां पे छोड़ाना पड़ता है, वहां पे साफ करना पड़ता है, नहीं तो कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी तो कोई भी उपकरण काम नहीं करेगा। और ये देखिए वेल्डिंग गन का नोब, इसके बिना कहीं भी वेल्डिंग करना समझिए नामुमकिन है, अगर वेल्डिंग करेंगे तो जो आगे वो पीछे की साइड निकल जाती है, जिसकी वजह से पाइप वगैरह गर्म नहीं होती है। इतनी चीजों को तो देखिए हमने निकाल ही दिया, और दिखा दिए मेजरिंग टेप नापने वगैरह के लिए कि कितनी ऊंचाई पे एसी को लगा रहे हैं, ऊपर से कितना छोड़ रहे हैं, दाहिने क्या है बाएं क्या है, कहीं भी नापने की जरूरत पड़े तो ये स्प्रिंग से क्या करते हैं, इससे इसको पाइप मोड़ते हैं। अच्छा पाइप मोल्डर है ये, और ये पतला वाला है 1/4 के लिए, ये अलग अलग आते हैं, हाफ साइज की पाइप के लिए अलग होता है ना, और ये 1/4 के लिए है, तो अंडरग्राउंडिंग है, बीच में डाल के मोड़ देते हैं। अच्छा पाइप के अंदर डाल के इसको मोड़ा जाता है, हम लोग देखिए ये दो तरह का आता है, एक तो आता है कि पाइप के ऊपर ऊपर से डाल के मोड़, और ये अंदर डाल के मोड़ सकते हैं, अंदर वाला है, मतलब समझ गए होंगे, जैसे कि अगर कोई पाइप है, जैसे ये पाइप है तो एक तो ऐसे आता है कि हम पाइप यहाँ डाल लें, इसके अंदर डाल लें, और एक होता है यही पाइप के अंदर डाल लें, तो इस तरह का ये है, तो ये पाइप के अंदर डाल के लोग मोड़ने का काम करते हैं। चार्जिंग लाइन है, और ये हमारी चार्जिंग पाइप, देखिए चार्जिंग पाइप एक ही होती है, चाहे आप फ्रिज में गैस चार्ज करें चाहे एसी में गैस चार्ज करें, पीएसआई का कुछ डिफरेंट होता है, जिसमें R32 गैस चार्ज करते हैं उसका पीएसआई थोड़ा सा हाई होता है, जिसकी वजह से हमें सही चार्जिंग पाइप का यूज करना चाहिए। अगर पाइप आप खराब यूज करते हैं, या जो मैनिफोल्ड गेज के साथ पाइप मिलती है लाल पीले कलर की, अगर उसका यूज करते हैं तो कभी फटने का भी डर होता है, लेकिन अगर ये वाली पाइप बेस्ट होती है, इस प्रकार से आपको पाइप रखना चाहिए। दोनों साइड में चूड़ीदार नट लगे होते हैं, एक साइड में इसमें पिन होती है, एक साइड में पिन नहीं होती है, जिधर पिन होती है उसको एनआरबी की साइड में लगाना होता है, जिधर पिन नहीं होती उसको किसी भी साइड में लगा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर रबड़ का वार्सल होता है, अगर वो वार्सल कट जाता है तो लीकेज करता है, और वो वार्सल अलग से भी आपको मिल जाएगा मार्केट में, उसको भी लगा सकते हैं। बाकी देखिए थोड़ी बहुत पाइप रखे हुए कापर की, 1/4 की पाइप है और ये 3/8 की पाइप है, तो इस तरह की ये जो पाइप है नॉर्मली कहीं पर जोड़ने की जरूरत पड़ जाए तो जोड़ने के लिए वेल्डिंग करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है कि कहीं ओवरसाइज लगा के जोड़ दिया जाए या फ्लेयर वगैरह ना बन पाए तो वहाँ आपके लिए। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे देखिए एक चीज और है, ये थोड़ी सी पाइप और है, और ये रबड़ की चार्जिंग पाइप एक और है, दो तो लगेगी कम से कम, एक से तो काम चलने वाला नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पर देखिए ये वायर रखे हुए हैं, और यहाँ पे देखिए ये पीटीसी रिले लगा के रखे, अच्छा ये अपने वर्कशॉप के लिए रखे हुए हैं, अपने वर्कशॉप के लिए इन्होंने इतना हैवी तार रखा हुआ है, बाकी आप चाहे तो हल्का भी रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है इतना हैवी रखना, बाकी कोई बात नहीं कहीं फ्री में मिल गया होगा तो रख लिए होंगे। और दिखाते हैं इसके अंदर इसको क्या बोलते हैं, पाइप के ऊपर लगाते हैं, स्लू बोलते हैं, स्लू इसको भी बोलते हैं, स्लू बोलते हैं इसको, देखिए पाइप के ऊपर लगाते हैं, वातावरण का जो टेम्परेचर होता है वो पाइप पे लगता है जिसको ये बचाता है, इंसुलेटर भी बोलते हैं। इंसुलेटर का मतलब सिर्फ यही होता है कि ऐसी वस्तु जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती उसे इंसुलेटर कहते हैं, बाकी ये जो है ये टेम्परेचर को अंदर जाने से रोकता है, तो आप इसको हम लोग बस ऐसे ही नॉर्मल समझिए, पाइप को ढकने के लिए काम में आता है, इंडोर से आउटडोर के लिए जो पाइप जाती है उसके ऊपर ये लगा होता है। ये क्या है देखिए थोड़ी सी टाइट भी रखना पड़ता है, कहीं पर भी टाइट करना हो पीसीबी में या कोई पाइप इधर उधर भाग रही हो, थोड़ी हार्ड तरह की टाई है, नॉर्मल जो व्हाइट वाली होती है वो टूट सकती है, तो अगर बड़ी चीज को पकड़ना है तो थोड़ा हार्ड तो रखना ही पड़ेगा। ये सारी टूल्स हो गए। इसके अलावा देखिए चार्जिंग पाइप इन्होंने, अच्छा वो पुरानी थी, इसमें एक नई चार्जिंग पाइप है, 3000 PSI का है। देखिए अगर आप 3000 PSI तक का लेते हैं तो R32 गैस चार्ज कर सकते हैं, जो 2500 या 2000 PSI का होता है उससे 32 गैस चार्ज करने में थोड़ा सा रिस्क होता है, बाकी 22 तो आराम से कर सकते हैं लेकिन 32 करने में थोड़ा सा उसमें रिस्क होता है। बस यही सारी चीजें, यही टूल्स है, तो ये सारे टूल्स हैं और इन्हीं टूल्सों से काम हो जाता है। इतने टूल्स का एक तो और है इधर पैकेट, एक चैन और है, इसके अंदर दिखाते हैं असली चीज तो सब रह गया। ये देखिए वायर कटर है, इसको हम इंसुलेटर कटर भी बोलते हैं, वायर स्टीपर भी इसको कुछ लोग बोलते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बोलते हैं। ये देखिए स्क्रू ड्राइवर, जैसे
ऐसा कोई जगह जहाँ पे हमारा बड़ा स्क्रू ड्राइवर काम ना करे वहां पर हम इसको लगा सकते हैं। आप समझते हैं कि अगर कोई बड़ा स्क्रू ड्राइवर है छोटी सी जगह तो नहीं जाता, जैसे फ्रिज के अंदर एवापोरेटर होता है, अगर एवापोरेटर के अंदर का स्क्रू खोलना है तो आपको इतना बड़ा ही टूल्स को रखना पड़ेगा। अगर बड़ा रखते हैं तो स्टार्ट नहीं कर सकते। ये वायर टेप रखे हुए हैं, टेप कहाँ लगाने की जरूरत पड़ जाती है? इतना अच्छा, दोनों पाइपों को मिलाने के लिए, दोनों पाइपों को इनडोर से आउटडोर के लिए जो स्प्लिट एसी का जाता है वहां पे लगाते हैं। देखिए सस्ता वाला फिल्टर है, स्टेनर ड्रायर फिल्टर जिसको हम बोलते हैं, सिलिकॉन की गोलियों का सबसे सस्ता, इससे सस्ता फिल्टर आज तक आया नहीं, तो इसका यूज कहां कर देते हैं? इसको क्यों लगाते हैं? देखिए फिल्टर वैसे जो हमारे इलेक्ट्रिक चीजों में होता है वो कोई जरूरी पार्ट नहीं होता है। फिल्टर एक सुरक्षा के उद्देश्य से केवल लगाया जाता है। किसी भी सिस्टम में जहाँ फिल्टर लगा अगर न लगाया जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बिना फिल्टर के भी हमारे सिस्टम काम करते हैं। इन सब में क्या गोलियां भरी हुई, कौन सी? अच्छा, गुड हेल्थ एनर्जी भी लेते रहते हैं। आउटडोर के अंदर जो रो होता है जिसको हम लोग रो बोलते हैं कंडेंसर के अंदर, जब उसमें कभी लीकेज हो जाए या कुछ भी हो जाए तो वहां पर हम इसको लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने दो रो रखा है, और ये देखिए चार्जिंग पाइप का ये वार्सल है, और ये एनआरबी पिन हो गई, और ये वाली कहाँ की पिन है? ये वाली 410 की है, पिन में चार्जिंग पिन में लगता है ना। अच्छा अच्छा, इसके अंदर की पिन है वो, चार्जिंग पाइप की चार्जिंग पिन है। तो देखिए ये यू बैंड, आपको एक चीज और अलग दिख गया, ये इंटरेस्टिंग चीज है, आउटडोर में लगता है। देखिए लीकेज कई बार हो जाता है, तो आप अपने से भी वैसे बना सकते हैं, लेकिन तो थोड़ा अगर ये लिए रहेंगे तो काफी अच्छा भी लगेगा, है ना, कस्टमर को भी लगेगा कि हाँ कोई चीज नहीं लग रही हमारे में, नहीं लग रही। और इसके अलावा इधर देखते हैं क्या है इसमें। देखिए ये हाफ साइज का एक पाइप है, हमारा फ्लेयर नट है, और यहाँ पर एक पीटीसी रिले है, और इसके अंदर कुछ नहीं है, चाबी है, ब्रिजिंग राड वगैरह छोटा वगैरह टुकड़ा है तो वो सब रख दिए हैं। लेकिन हाँ, इतने वजन में ही काफी भारी है। स्क्रूप भी आपको रख लेना चाहिए। देखिए स्क्रूप मेन चीज होती है, अगर स्क्रूप टाइट नहीं करेंगे किसी भी एसी में तो वो आवाज करेगी, गड़बड़ाएगी, और कस्टमर संतुष्ट नहीं होगा। मतलब बड़ी छोटी सी कमी है एक स्क्रूप, और जिसकी वजह से पूरा सिस्टम आपका हो जाएगा खराब। तो इस तरह से ये सारे सिस्टम है बेसिक, और हम लोग अभी यहाँ बैठे हुए थे तो फिर सोचा चलिए एक बार आपको फिर से एक मिस्त्री का बैग दिखाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।